भाई बहनों मुझे चौकीदार बना दो। चौकीदार ही बनाने बोला था ना, हाँ। तो हमने बना दिया चौकीदार, हाँ। तो अब चोरी कैसे हो रही है हम पूछेंगे नहीं। भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। 5 साल के लिए एक बार जीत के आओगे तो आजीवन पेंशन लोगे और हम जनता को टेंशन दोगे। मन की बात में अपनी सुनाते हैं ना, हमारी कहाँ सुनते हैं। खिलौने भी सस्ते कर दिए, खिलौने, हाँ। और हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं। क्यों अंधभक्त उसे कहते हैं जिन्हें अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बढ़ती महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब नहीं दिखता। तो हमने प्रधानमंत्री चुना था कि खतरा मोल ले लिया है। कलीम शेख बनेंगे नए प्रधानमंत्री। बड़े बड़े हमने चमत्कारियों को देखा, आज जेल में बैठे हैं। कर्नाटक तो झाकी है, अभी 24 बाकी है। आपका धर्म खतरे में? ना, मेरा तो धर्म खतरे में नहीं है। मेरा भी नहीं है। पाजी आपका धर्म खतरे में? हमारा तो कोई धर्म पाजी खतरे है, ये सिख है, हाँ। पूछिए इनका, आपका धर्म खतरे में पाजी? नहीं भाई, से कोई खतरे, किसी का धर्म खतरे में नहीं है। मीनाक्षी लेखी कैसे भाग रही थी, वैसे ही भगाने वाले हैं, ये डर है। नमस्कार, मैं सीखा और मेरे साथ हैं कलीम शेख जी। आप सभी देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी जो भी चीजें चल रही हैं उसको, जैसे कि पहलवानों का अभी चला, संसद भवन हुआ, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, पहलवानों का धरना था, और फिर इन सब मामले पे द्रौपदी मुर्मू को लेके जो तमाम चीज़ें हुई उस पर राजनीति मोर ले लिया और राजनीति गर्मा गई है इन सारे मुद्दे पे। लोगों के बीच जब हम गए, 2000 के नोट पे बैन लगे, चिप वाली बात आई, इस पर 2024 में क्या होगा, राजनीति कैसा मोर लेगा, हम, क्योंकि ये कलीम शेख जी जो हैं ये जनता के बीच में जाते हैं, आम जनता हैं, लेकिन इनका जो विज़न है वो बहुत अच्छा है। तो हम इनसे बात करेंगे कि कलीम शेख किस तरीके से देखते हैं 2024 के चुनाव को, राजनीति को। 24 में पहले तो आपका स्वागत और आपके दर्शक का, और 24 का जो राजनीति मुद्दों पर है, हाँ, ना ही हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बटने वाले नहीं हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ आज कई दिनों से लगातार कि 24 के चुनाव में इनके जो अभी सत्ता में है वो जनता में नहीं आ सकते। क्यों? अच्छे दिन तो आए। भाग भाग मिल्का भाग ओलंपिक गेम चलेगा। अच्छा, जैसे मैराथन, आपने देखा एक मैराथन में मंत्री दौड़ते हुए नजर आई थी, हाँ, तो वैसे मैराथन होगा। सवालों से बचती हुई आई थी वो। तो ये सवाल इनके पास है ही नहीं, तो जवाब है ही नहीं, तो हमारे बीच में कैसे आएंगे, ये दौड़ते हुए भागेंगे जो लोग जो कहते हैं। और या तो फिर क्या करेंगे, बस अपने कार में से हाथ हिलाएंगे 24 में, पर वोट नहीं पाएंगे। तो कौन वोट पाएगा, राहुल गांधी? ना, राहुल गांधी की बात ही नहीं है। नहीं तो कोई तो होगा विपक्ष में, अगर कलीम शेख ये दावे कर रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे तो दूसरा ऑप्शन कौन है? बहुत है, 142 करोड़ की आबादी है, जनता चुनेंगे हम उस समय। कलीम शेख बनेंगे नए प्रधानमंत्री? कलीम पर आप लोग दुआ करो कि मैं प्रधानमंत्री ना बनूं। हम तो दुआ करते हैं कि आप ही बनिए। हम बनेंगे तो आप लोग को सुधार देंगे। हमें सुधारने की जरूरत, आपको हम आजाद करा देंगे। अच्छा। पहली बात तो हाँ, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी सच में चाहिए। आप गुलाम क्यों हो गए, ये तो आप अपने जमीन। हम तो गुलाम नहीं है कलीम शेख जी, आपको लग रहा है सोशल मीडिया के पत्रकार गुलाम है? सोशल मीडिया पत्रकारों में भी अलग अलग धड़ा है क्या? नहीं है, जो टीवी चैनल पे देखिए मैम, मुझे ये पता नहीं है ना ये बात, इसलिए मैं आपसे। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको जो खबरें पता चलती है जमीनी से, जो पहलवानों का जो भी चीजें थी, जो जमीनी हकीकत थी, वो आपको कहाँ से, टीवी से पता चला या सोशल मीडिया के माध्यम से? मैं आपसे सवाल कर, मैं ट्विटर पे भी पढ़ता रहता हूँ, सोशल मीडिया में ज्यादा, सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब भी देखते हैं आपने। अरे मैम, मैं आप बात समझ नहीं रही है, यही तो बात है ना, सोशल मीडिया के लोग आपको पता चला। हाँ, लेकिन लोग जो है ना जज कर लेते हैं और आप जज नहीं कर पाती। हाँ, ये बात है। नहीं, जज करना गलत बात है, किसी को हम अपने स्तर से जज नहीं करते, लेकिन नहीं, हम जनता तो 2024 में जो आपने कहा पॉलिटिकल जज तो हम जनता ही करते हैं, तभी तो उसको आधार बनाकर वोट करते हैं। तो मैं वो जज की बात कर रहा हूँ। तो आप सुनिए, पॉलिटिकल जज जो कर रही है जनता, उसका एक वजह है कि उनको धर्म बचा के दे रही है बीजेपी। धर्म जो खतरे में था, खतरे में 2014 के पहले तो नहीं था, और एक जब वो एक सिख प्रधानमंत्री था और एक मुसलमान राष्ट्रपति था, तब तो धर्म खतरे में नहीं आया।
अब कैसे? तो हमने प्रधानमंत्री चुना था कि खतरा मोल ले लिया है। किसका धर्म खतरे में बताओ जरा मेरे को? हिंदू कहा जा रहा है ना, हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। खतरे में तो इन ढोंगियों का कुर्सी और सत्ता है, इसलिए हमें बड़े बड़े चमत्कारी बाबा आ रहे हैं इनके राज में। बड़े बड़े हमने चमत्कारियों को देखा, आज जेल में बैठे हैं। वक्त सबका आता है चला जाता है। तो धीरेन शास्त्री आप चमत्कारी, आप उनको नहीं, उनका नाम थोड़ी ले रहा हूँ। अभी तो वही जगमगा रहे हैं। वो जगमगा, देखो दिया भी जगमगाता ही है ना, बाद में जब तेल खत्म होती है तो बुझ जाता है। अच्छा, तो उनका भी तेल खत्म होगा? नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप अलग लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगली जो चुनाव होगी 2024 में किस मुद्दे पे वोट मिलेगा? शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेटी बहन बहनों की सुरक्षा की गारंटी, हमारे जो नौजवान है जो रात दिन, आप खुद, आप कहाँ से हैं मैडम जी? बिहार। बिहार से? तो बिहार के और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जाएंगे ना आप, घूमेंगी तो सुबह 4 बजे ना, जो 18 साल 17 साल के नौजवान होते हैं ना, वो इतना मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए। अग्निवीर आया, अरे तो वही, उससे वो दुखी है, उसका जवाब मिलेगा इनको। उनको क्या लगता है कि भूल गई है जनता? हाँ, तुम 5 साल के लिए सांसद बनोगे और हम जनता को 4 साल की नौकरी दोगे, और तुम 5 साल के लिए एक बार जीत के आओगे तो आजीवन पेंशन लोगे और हम जनता को टेंशन दोगे, तो ये सब देख करके हम वोट करेंगे। और सत्ता भूल रही है कि हम जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कि द्रौपदी मुर्मू की बात आई थी तो मैं आपको बोलती हूँ, वो भी महिला है और उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था, तो कह रहे थे SC ST जो दलित हैं वो बहुत गुस्साए हुए हैं 2024 में उनको। SC ST दलित की क्या बात कर रही हो आप ही लोग तो बांटते हो। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम सब भाई हैं। और ये बात हम पूछेंगे कि Article 79 इसका वायलेशन क्यों हुआ, ये हम 24 में पूछेंगे। तो मन की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री, ढंग की बात, मन की बात में अपनी सुनाते हैं ना, हमारी कहाँ सुनते हैं? बेढंग की बात तो राहुल गांधी करते हैं, जो भी करते हैं वो ढंग की बात थोड़ी बहुत प्रधानमंत्री। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं ना तो मैं उनका कॉलर पकड़ता। आज अगर कोई दूसरा अगर सत्ता बदलेगा, कोई और आ जाएगा राहुल गांधी की जगह, चाहे कोई भी XYZ, तब वो जवाबदेही उसी की बनती है। जो प्रधानमंत्री जो CM थे गुजरात के, तो मैं और देश की कोई जनता जाके सवाल नहीं करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये माना गया है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और विदेशों में भी। किसमें? डिसलाइक में, जो मन की बात चलती है तो उस पर डिसलाइक का ऑप्शन बंद किया गया ना, डिसलाइक में भी नंबर 1 थे, वो बंद कर दिया गया। इन्होंने ये सही कहा कि डिसलाइक का बटन बंद कर दिया गया? किया गया, नहीं किया गया। और उसके बाद से जो है मन की बात का डेटा है, जिसमें 100 लोगों में 5 लोग सुनते हैं, कहाँ से आप लोग लोकप्रिय बताते हैं? हम देख करके हमको खुद चक्कर खा के गिर जाते हैं, बाजू वाला पानी मार के उठाता है हमें कि उठ जाओ भैया। हाँ, तो इतना बुरा लगता है प्रधानमंत्री? हमको नहीं, हमको नहीं लगते हैं बुरे। बुरे अच्छे की बात ही नहीं है, जब जब उन्होंने जब कुछ तो अच्छी बात होगी प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री यार, प्रधानमंत्री किसके हैं? जनता के। तो हम सवाल किससे पूछे? प्रधानमंत्री से। तो फिर क्या बुरे अच्छे इसमें बोल रही हो आप? नहीं, कुछ तो, जैसे कि कोई भी सत्ता में आता है तो कुछ बुरी चीजें होती है, कुछ बहुत अच्छी चीजें होती हैं जिस वजह से जनता उसको चुनती है। तो दो बार से अगर प्रधानमंत्री, तो मुझे आप एक अच्छाई बताइए, आप भी बता दो, वही तो हम देखते हैं, एक कोई अच्छाई बता दीजिए। इस बार क्या बजट सत्र आया, उसमें बजट सत्र में हीरा सस्ता कर दिया गया है, और जो वो मेहुल चौकसी के लिए किया गया होगा, वो लोग हीरा व्यापारी थे ना। अच्छा, हम जनता हीरा कहाँ से खरीदेंगे? हमको तो हम खिलौने भी सस्ते कर दिए गए, खिलौने। हाँ, और हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं, क्या बात कर रही है आप? हाँ, मतलब खिलौने सस्ते करके जनता के, हाँ, जनता की जिंदगियों से खेल रहे हैं। हाँ, स्मृति ईरानी, आपको मालूम होगा स्मृति ईरानी जो हैं वो महिला और बच्चों की मंत्री हैं। उन्होंने अभी पहलवानों पे ये बोला है कि काम करने दीजिए पहलवानों को, बाद में जो नतीजा आएगा, अभी बीच में हस्तक्षेप करने से कोई मतलब नहीं है।
इस पे क्या? अरे उनको उनको हम सीरियस नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते ही नहीं? क्यों क्यों? क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है। वो जब विपक्ष में रहती हैं तभी सीरियस नजर आती हैं। हाँ। तब सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ जाती हैं। हाँ। आलू प्याज का माला बना के गले में डाल लेती हैं। और आज हम जनता की जो है सिलेंडर खरीदने से लेकर दवा खरीदने तक में हम परेशान हैं, तो अब उनको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जब 2024 के चुनाव में जब जाएंगे, आप 2024 की बात करी हैं, तो ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये खाली ये बोलेंगे खाली, जैसे हमारे पूर्वज हमें बोलते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो फिर ये भाजपा ही बोलेंगे चुनाव में जाके कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आज मध्यम वर्ग है हम, हमारे आगे से थाली खींच ली गई है, तो उस पर है कि मध्यम अवाम के आगे से थाली को है खींचा, बेटी बहन को लाके तुम सड़कों पे है खींचा, वर्तमान खराब हो रहा हिस्ट्री के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आगे जो ये सत्ता हम जनता से दाव पेच खेल रही है उस पर है कि सत्ता के दाव पेच से रखना न वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। यही है, इन्होंने 4-5 लाइन के कविता में हेकरी निकाल दी है सबकी, कि किस तरीके से अंधभक्त, जिसको ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। क्यों अंधभक्त उसे कहते हैं जिन्हें अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बढ़ती महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब नहीं दिखता है, उन्हें अंधभक्त कहते हैं। इन्होंने अंधभक्त पे बहुत बड़ा हमला किया है, लेकिन अंधभक्त ये किसको कह रहे हैं इन्होंने बताया। लेकिन 2-4 और सवाल हैं कलीम जी। बिहार के जो एनसीईआरटी जो बुक चल रही हैं, उससे पीरियडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, जो नाम होता है केमिकल का, नाम होता है क्लोरीन का, नाम होता है शॉर्ट फॉर्म नाम होता है, उसको हटा दिया गया है। उसके बाद डीयू से सारे जहां का अच्छा एक कविता है, गाना है, जो उन्होंने लिखा था, मुस्लिम थे, उनका नाम हटा दिया गया है। बाबा साहब का जो किताब है उसमें से जो चंद चीज़ें हटा दी गई हैं, बोले अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे। हम सब नज़र बनाए हुए हैं जनता, और 24 में हम इन्हीं को हटा देंगे। हाँ, जैसे कर्नाटक से हटी है, कर्नाटक तो झाकी है, अभी 24 बाकी है। अच्छा। और इनको हम ऐसे हटाएंगे ना, जिस तरह से गृह मंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस दूरबीन ले करके ढूंढने से भी दिखेगी नहीं, अब कमल नहीं दिखेगा। अच्छा, कमल नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन अभी जो है, जैसे कि आपने, आपको भी बताया, बाबा साहब का वो हटा दिया, चैप्टर्स हटा दिया गया है, कहा है अननेसेसरी चीज़ें हैं। और सारे जहां का अच्छा जो था उसके राइटर का नाम हटा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जय श्री राम के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने हमारे धर्म को बचाया और हम मोदी जी को बचाएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, आखिरकार हमारा धर्म तो बच रहा है इनका? आप हिंदू हो, मुस्लिम हो? हिंदू। आपका धर्म खतरे में? ना। हा? मेरा तो धर्म खतरे में नहीं है। मेरा भी नहीं है। पाजी आपका धर्म खतरे में? हमारा तो कोई धर्म पाजी खतरे है, नहीं है। ये सीख है। हाँ। पूछिए इनका, आपका धर्म खतरे में? पाजी नहीं भाई, कोई खतरे में किसी का धर्म खतरे में नहीं है। हाँ। जब वो ये हमारे जो ढोंगी सरकार है, हाँ, इसकी कुर्सी खतरे में है। 24 में मालूम है, देखिए ना, मीनाक्षी लेखी कैसे भाग रही थी, वैसे ही भगाने वाले हैं, ये डर है, ये खतरे में है। लेकिन आपने मीनाक्षी नेगी पे तो आपने कह दिया, नहीं भागी नहीं थी क्या? हाँ, भागी तो थी सवालों से। और चिप वाली आंटी को भी तो पकड़े थे ना लोग, ये देखिए, स्वेता सिंह को ये आंटी बोल रहे हैं। नहीं, मैं उनसे छोटा हूँ तो क्या बोलूँ।
ये भी कहा जा सकता है। लेकिन चिप वाली आंटी ने बोला है कि वो जो आपने 47 मिनट की वीडियो देखी या 47 सेकंड की, अगर 47 मिनट की वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वो ज्ञान था और हमने बोल दिया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अपने स्टूडियो में रखते है, हमारे बच्चों को हमें क्यों पढ़वा रही है? तो काला धन नहीं निकला, इन्हें भी 24 में ये लोग स्टूडियो से बाहर नहीं निकलेंगे, वो अपने प्यून को बोलेंगे जरा कांच खोल के देखो जनता तो बाहर नहीं खड़ी है, तब जाएंगे घर। अच्छा, तो ये सीधा सीधा जो है श्वेता सिंह पे हमला कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और, मैं हमलावर नहीं हूँ यार, तुम मेरा इनकाउंटर करा दोगी यार? अरे नहीं कलीम जी, आपके साथ बहुत जनता है, आपको बहुत प्यार करती है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल है कि 2012 में निर्भया जैसा कांड हुआ था, तो सिर्फ मोदी सरकार को आप टारगेट नहीं कर सकते? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने मेरे बयान सुने ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, नारियों के अपमान पर बड़ी बड़ी सत्ता, बड़ी बड़ी राजा की हस्तियाँ मिट गई। ठीक है, जब महाभारत होने को होता तो जब तक हस्तिनापुर का बंटवारे का बात चल रहा था कोई बवाल नहीं हुआ, और जैसे ही द्रौपदी का साड़ी खींचा गया तो महाभारत हुआ, और जब तक श्रीलंका नहीं जला जब तक उसने सीता माता का अपहरण नहीं किया था, और जैसे सीता का अनादर किया वैसे ही लंका जल गई सोने की। और निर्भया की आपने बात करी, सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, और जब निर्भया कांड हुआ देश में बवाल मचा और उनकी सरकार चली गई, तो ये भी नारी के अपमान पर जाएगी सरकार, आप लिख लीजिए। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा नहीं, हालांकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि 2012 में किस तरीके से दिल दहला देने वाला जो काली अंधेरी रात में जो मामला हुआ था निर्भया के बाद, उसके बाद जो सत्ता पलट हुई है, और वो अभी जो कुछ लोग हैं क्यास लगा रहे हैं कि जो अभी नारियों के साथ जो हो रहा है पहलवान बेटियों के साथ, इसके बाद जो है सत्ता पलट होगी। लेकिन कह रहे हैं कि अगर बृजभूषण सरन सिंह का अगर गिरफ्तारी हो गया तो यही रहेंगे, मोदी जी रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों, मोदी जी क्या एग्रीमेंट करके आए हैं? अच्छा, हम तो जनता पास हमला हुआ था। मैं आज इस जनता को मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो नहीं बताते हो, देखिए अगर हम इस देश का मालिक कौन है? मालिक जनता है। जनता है ना, क्यों मालिक होते हैं उसका एहसास आप लोग नहीं कराते हो। मैं बता रहा हूँ, हम इसलिए मालिक होते हैं कि हमारे दरवाजे पर कोई भी नेता आता है ना, जो प्रधानी का चुनाव लड़ता हो, पार्षदी का लड़ता हो, प्रधानमंत्री का लड़ता हो, CM का लड़ता हो, MLA का लड़ता हो, MP का लड़ता हो, वो हाथ जोड़े आ जाता है और साक्षात दंडवत भी हो जाता है कि भैया हमारा चुनाव निशान ये है, आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है हम इस देश के मालिक हैं, और वो हमारा नगर, हमारा गांव, हमारा देश, हमारा प्रदेश 5 साल के लिए हमको चलाने के लिए मांगता है हमसे। सुनिए तो, 5 साल तक चलाने के लिए मांगता है, तो हम इसलिए देते हैं। अगर ये बात ना होती तो ये जो प्रधानमंत्री है ये नहीं कहता भाई बहनों मुझे चौकीदार बना दो, चौकीदार ही बनाने बोला था ना, तो हमने बना दिया चौकीदार। तो अब चोरी कैसे हो रही है, हम पूछेंगे नहीं? अरे तो चोरी क्या, चौकीदार कर रहा है? हमारा सुख चैन चोरी हो गया, हम पूछेंगे नहीं? वो किसकी सरकार है, चौकीदार की है ना, क्योंकि योगांडा का कोई प्रधानमंत्री है, बताइए। लेकिन 2000 जब पहले चुनाव हुआ था 2012-14 के बाद, उसके बाद जब प्रधानमंत्री पुलवामा हमला हुआ था और उस पे मोदी जी ने बहुत कुछ किया, जो लोग भावुकता में हमने वोट किया था 2019 में, लेकिन सत्यपाल मलिक इन्हीं के आदमी है, उन्होंने बता दिया, इनका भेद खोल दिया, तो अब हम जनता भावुकता में करेंगे, अब हम भावुक होंगे ही नहीं। इस बार जब बेटियों को न्याय मिल जाएगा तो भावुक तो होगी? नहीं, बेटियों को अब न्याय नहीं मिल जाएगा, हमने देख लिया है। कुलदीप सिंह सेंगर में भी बेटी ही थी ना, उसको न्याय मिलने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा, परिवार के परिवार तक को उसके साथ क्या किया गया पूरा देश को पता है, हाथरस पता है, और फिर वो मालिश भी पता है, ठीक है ना, वो भी पता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हम पूछेंगे, चौराहे पर बुलाएंगे और पूछेंगे कि भाई ये सब क्या है। वो तो बोल रहे हम झोला उठाएंगे चले जाएंगे, ऐसे कैसे हम दौड़ाएंगे, झोला चेक करेंगे, दौरा दौरा के झोला चेक करेंगे। हाँ, जनता को अधिकार है झोला चेक करने का, ये लोग किसी का तो कर नहीं पाएंगे। मोदी जी इस लोकतंत्र में आपको मौका दे रहे हैं बोलने का, तो आप लोग इतना बोल रहे हैं। इसके पहले हमें मतलब
1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो हमें बोलने का अधिकार नहीं मिला था, नहीं मिला था, मोदी जी ला के दिए हैं। वो तो छीन रहे हैं, जो बोल रहा है वो उनके पीछे लग जा रहे हैं। खुल के तो सब लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी कहते हैं हम गाली को आशीर्वाद की तरह ले रहे हैं। ना ना ना, तो लेने दो आशीर्वाद। हाँ। तो 24 में और डबल आशीर्वाद मिलेगा। एक बार और बताइए 2024 में जो आप कह रहे हैं डबल आशीर्वाद, डबल आशीर्वाद देंगे कि 2024 के बाद 2047 तक उन्हीं को बनाएंगे प्रधानमंत्री? हाँ हाँ, हमने ला के रख लिया है 200 किलो फेविकोल और उस कुर्सी पे लगा के उनको बिठा देंगे, चिपके रहेंगे, कभी उठेंगे नहीं। हाँ, तो बात करती है मैडम आप, तो वो तो बोल रहे गृह मंत्री आएंगे तो मोदी जी आएंगे और कोई आएगा ही नहीं। अब वो जाएंगे तो कभी नहीं आएंगे, ये बोल रहे होंगे। अच्छा, मणिपुर वाला जो मामला हुआ है वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, उस पर क्या बोलेंगे? इस पर आपको क्या लगता है, मणिपुर के लोग हमारे दोस्त भाई नहीं है? हाँ, जात को जात के नाम पर लड़ा रहे हो, भाषा का भाषा के नाम पर लड़ा रहे हो, धर्म को धर्म के नाम पर लड़ा रहे हो, और आप वही तो बोल रहा हूँ ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम हमको, हमने प्रधानमंत्री, और जब तुम, जब हम जनता जागरूक हो रहे हैं तो आप बोलते हो कि धर्म खतरे में, धर्म खतरे में है क्या? आप खतरे में हो, तो बीजेपी करा रही है मणिपुर में? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी किसकी है रोकने की, मेरा ये कहना है। तो 2000 एक आखिरी सवाल है कि 2024 में किस आधार पे जो है जनता अपना सरकार चुनेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं पर जो है महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी। हाँ, कौन होगा चेहरा? चेहरा कोई भी हो, आपके नज़र में कौन है? हमारे नज़र में तो अभी तक कोई नहीं है, जनता डिसाइड करेगी, पर ये जो है ना, ये सरकार हमारे लायक नहीं है। आपको विधायक बनाने की बात कहती है जनता? कमेंट बॉक्स में सब कहते हैं कि कलीम शेख को विधायक बनाया जाए। कलीम शेख विधायक के प्रधान भी नहीं लड़ सकता। क्यों? जनता जो कहती है, हम जनता हैं, हम जनता ही बने रहना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी हमने इनसे बात की कि 2024 में राजनीति कैसे मोड़ लेगी। पूरी खबर पे, हमारी बातचीत पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर